आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक जो होता है ना, उसमें ये चार हरकतें पाई जाती हैं। नंबर पहली, मुनाफिक जो होता है वो जब भी बात करता है तो वो झूठ बोलता है। दूसरी, मुनाफिक जो होता है उसके पास जब कोई अपनी अमानत रखवा कर जाता है तो वो उस अमानत में खयानत करता है। नंबर तीसरी, मुनाफिक जो होता है वो वादा करता है लेकिन तोड़ देता है वादे को, मसलन वो वादा खिलाफी करता है। और नंबर चौथी और आखिरी है, मुनाफिक जो होता है ना, वो जब भी लड़ाई हो या किसी से बहसबाजी हो जाए तो वो बदकलामी करता है। बदकलामी से मुराद बदअल्फाज बोलता है, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुनाफिक है ना वो जहन्नम की ऐसी जगह पाया जाएगा जहां जहन्नम उससे खुद पनाह मांगेगी। जरा गुमान करिए, अस्तग़फिरुल्लाह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो मुनाफिक होता है ना वो अल्लाह ताला को मानता तो है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन वो दोगला होता है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें हिदायत पे रखे और मुनाफिक होने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।